आप देख रहे यूट्यूब चैनल ITI टू CTI क्लासेज, मैं देवंदर सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेथ मशीन के मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड लेथ का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है धातु की टर्निंग के लिए, धातु की स्पिनिंग करने के लिए, या चूड़ी काटने के लिए, या टेपर काटने के लिए। तो किस लिए किया जाता है स्पीड लेथ का प्रयोग? जो स्पीड लेथ का प्रयोग धातु की स्पिनिंग करने के लिए किया जाता है, धातु की स्पिनिंग करने के लिए, जो खै ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की चादरों से स्पीड लेथ पर बर्तन बनाने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्पिनिंग, मोल्डिंग, कास्टिंग, थ्रेडिंग। तो क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, नंबर तीन है कि स्पीड लेथ का निम्न में से कौन सा पार्ट नहीं है? स्पिंडल, टेल स्टोक, हेड स्टोक, या लीड स्क्रू व फीड रोड। तो कौन सा नहीं है? लीड स्क्रू व फीड रोड इसका पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चार नंबर कि बेंच लेथ के बेड की लंबाई होती है 2 मीटर, 2.5 मीटर, 1.4 मीटर, या 3 मीटर। तो कितनी होती है? 1.4 मीटर होती है। तो नंबर पाँच है कि टूल रूम लेथ के स्पिंडल की स्पीड होती है। ऑप्शन है 1200 RPM से 3600 RPM, 25 RPM से 4000 RPM, और 20 RPM से 2000 RPM, और 500 RPM से 2500 RPM। तो कितनी होती है? 20 RPM से 2000 RPM होती है। लेथ का, लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन निम्न में से किस के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है बेड की कुल लंबाई तथा लंबाई तथा जॉब का अधिकतम व्यास, जो बेड के ऊपर टर्न किया जा सके, केंद्रों की ऊंचाई तथा दोनों केंद्रों के मध्य की अधिकतम दूरी, स्पिंडल का बोर का साइज। तो लेथ मशीन की ऊंचाई से, तो किससे नहीं किया जाता? लेथ मशीन की ऊंचाई से नहीं किया जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां कि वी लेथ बेड पर बने वी मार्गों का कोण होता है। तो कितना होता है? ऑप्शन है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150। तो कितना? 90 डिग्री होता है। ठीक है, फॉलोवर स्टडी रेस्ट को फिट किया जाता है लेथ कैरेज पर, टेल स्टॉक पर, हेड स्टॉक पर, लेथ बेड पर। तो कहाँ पर किया जाता है कैरेज को सेट? लेथ कैरेज पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौ नंबर कि स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जॉब, ऑप्शन है हमारे जॉब को चलाने के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन है जॉब को पकड़ने के लिए, या जॉब को सहारा देने के लिए, या टेढ़ी मेढ़ी जॉबों के लिए। तो किस लिए स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है? जॉब को सहारा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, स्टडी रेस्ट के पैड खालिस्तान के बने होते हैं। स्टडी रेस्ट के पैड खालिस्तान के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? माइल्ड स्टील, ब्रास, हाई स्पीड स्टील, या कार्बन स्टील। तो ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं ब्रास के। स्टडी रेस्ट के पैड ब्रास के बने होते हैं, किसके? ब्रास के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्थोगोनल कटिंग का मुख्य लाभ होता है। हमारे ऑप्शन है टूल की लाइफ बढ़ती है, कटिंग एज पर लोड बढ़ता है, यह लोड को क्षेत्रफल में विभाजित करता है, या अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त करता है। तो क्या करता है? यह यह लोड को बड़े क्षेत्रफल में विभाजित करता है। ऑर्थोगोनल कटिंग का यह मुख्य लाभ यह है, वह लोड को बड़े क्षेत्रफल में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहवां कि माइल्ड स्टील की टर्निंग के समय किस प्रकार के चिप्स निकलने चाहिए? घुमावदार चिप्स, लंबे घुंघराले चिप्स, एक आकार के चिप्स, या अर्धवृत्ताकार चिप्स। तो कैसे चिप्स निकलने चाहिए? लंबे घुंघराले चिप्स। माइल्ड स्टील की टर्निंग के समय कैसे लंबे घुंघराले चिप्स निकलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की लेथ कटिंग टूल का अत्यधिक ओवरहैंग होना। ऑप्शन है चैटरिंग करना करेगा, टूल अधिक गर्म होगा, अधिक टूल बियर, या टूल का टॉप रैंक और फ्रंट क्लियरेंस का बढ़ना। अधिक और हैंग होना किस कारण होता है? चैटरिंग करेगा। यदि लेथ कटिंग टूल का अत्यधिक और हैंग होने से चैटरिंग करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जॉब लेथ पर बंदी हो तो उसका टेपर मापा जाता है, टेपर प्लग गेज व रिंग गेज द्वारा, स्टील रूल व माइक्रोमीटर द्वारा, या यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर द्वारा, या साइन बार व स्लिपिंग गेज द्वारा। तो किसके द्वारा मापा जाता है? यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर द्वारा। जब जो भी लेथ मशीन पर बंदी हो तो उसका टेपर यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर द्वारा मापा जाता है। 15वां की टेल स्टॉक स्पिंडल के ऊपर थ्रेड कटी होती हैं। तो ऑप्शन हमारे स्क्वायर थ्रेड, लेफ्ट एंड स्क्वायर थ्रेड,
या राइट हैंड स्क्वायर थ्रेड या मल्टी स्टार्ट थ्रेड। तो कैसी? लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। टेलस्टो के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड? लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वां, टेलस्टोक बैरल के अंदर कौन सा टेपर बना होता है? मोरस टेपर, जर्नो टेपर, मीट्रिक टेपर या ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो कौन सा बना होता है जिसके ऊपर मोरस टेपर बना होता है, जो लेथ मशीन का स्पिंडल होता है टेलस्टोक के बैरल के अंदर, तो कौन सा मोरस टेपर बना होता है? लेथ बेड की धातु होती है, संगन तंतु, डलवालों व ग्रे कास्ट आयरन या मृदु इस्पात या मध्य कार्बन इस्पात। तो कौन सी होती है इसकी? होती है ये ग्रे कास्ट आयरन। यह है लेथ बेड की धातु कौन सी होती है? ग्रे कास्ट आयरन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, वह लेथ स्पिंडल की धातु होती है उच्च कार्बन इस्पात, मिश्रित इस्पात या मृदु इस्पात या मध्यम कार्बन इस्पात। तो कौन सी होती है लेथ स्पिंडल की धातु? मिश्रित इस्पात होती है, मिश्रित इस्पात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पार्ट लेथ का नहीं है? सैडल, बेड, कॉलम या टेलस्टॉक। तो कौन सा भाग निम्न में से कौन लेथ का पार्ट नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है भाई? कॉलम लेथ का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो निम्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पार्ट लेथ मशीन का नहीं है? लीड स्क्रू, फीड स्क्रू, कैरेज या नी। नी जो है लेथ मशीन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां कि लेथ मशीन के कैरेज व क्रॉस स्लाइड को निम्न में से किस यंत्रावली द्वारा संचालित फीड प्राप्त होती है? रैक और गियर यंत्रावली द्वारा, बेवल गियर यंत्रावली द्वारा, वर्म गियर यंत्रावली द्वारा या रैचेट या पोल यंत्रावली द्वारा। तो किस यंत्रावली के द्वारा प्राप्त होती है? वर्म गियर यंत्रावली द्वारा। वर्म गियर यंत्रावली के द्वारा लेथ मशीन के कॉलम कैरेज व क्रॉस स्लाइड को जो स्वचालित फीड प्राप्त होती है, वर्म व गियर यंत्रावली द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, लेथ मशीन के क्रॉस फीड स्क्रू के साथ लगे गाइड नट की धातु होती है डलवालों व पिटवाले व ब्रॉन्ज या पित्तल। तो कौन सी धातु होती है भाई? इसकी धातु होती है ब्रॉन्ज। यह किसका बना होता है? ब्रॉन्ज का बना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, निम्न में से ऑयल ऑयल गियर्ड हेड स्टॉक का कौन सा लाभ नहीं है? तो यह अधिक स्पीड संख्या प्राप्त की जाती है, स्पीड बदलने में सुविधा रहती है, वर्कपीस पर भारी कट लगाए जा सकते हैं या पावर स्लिप होती है। तो कौन सा लाभ नहीं है? पावर पावर स्लिप होती है, क्योंकि इसमें पावर स्लिप नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24वां की लेथ स्पिंडल स्पीड में अत्यधिक कमी लाने के लिए निम्न में से किस यंत्रावली का प्रयोग किया जाता है? लेथ स्पिंडल स्पीड में अत्यधिक कमी लाने के लिए, तो किसका? रैक और पिनियन यंत्रावली का, बैक गियर यंत्रावली का या वर्म गियर यंत्रावली का या पॉल यंत्रावली का। तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? इसका है बैक गियर यंत्रावली का। अत्यधिक कमी लाने के लिए बैक गियर यंत्रावली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां कि लेथ स्पिंडल नोज के ऊपर थ्रेड कटी होती है। तो लेथ स्पिंडल नोज के ऊपर कौन सी थ्रेड कटी होती है? ऑप्शन हमारे लेफ्ट हैंड वी थ्रेड, राइट हैंड वी थ्रेड, मल्टी स्टार्ट वी थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड। तो कौन सी थ्रेड कटी होती है? राइट हैंड वी थ्रेड कटी होती है, राइट हैंड वी थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टम्बलर गियर सेट में गियरों की संख्या होती है 3, 4, 5, 6। टम्बलर गियर में गियरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। टम्बलर गियर में गियरों की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, टम्बलर गियर का प्रयोग किया जाता है नॉर्टन गियर बॉक्स को गति प्रदान करने के लिए, या कैरेज को गति प्रदान करने के लिए, कंपाउंड स्लाइड को गति प्रदान करने के लिए, लीड स्क्रू की गति को गति प्रदान करने के लिए। तो किस लिए किया जाता है वो? इसका प्रयोग नॉर्टन गियर बॉक्स को गति प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां कि नॉर्टन गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, हमारे ऑप्शन है कि लीड स्क्रू को गति प्रदान करने के लिए, फीड रोड को गति प्रदान करने के लिए, उपरोक्त क और ख दोनों या उपरोक्त और क और ख में से कोई नहीं। तो किस लिए किया जाता है? हमारे
हमारा उपरोक्त क और ख है दोनों, उपरोक्त क और ख है दोनों के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 29, किस बेलनाकार या शंक्वाकार सतह पर कटे घुमावदार गरु को कहते हैं, ग्रूविंग, टेपर खरदान या थ्रेड या स्पिनिंग। तो क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलस्टोक स्लीव की धातु होती है मृदु इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात या उच्च कार्बन इस्पात या डलवा लोहा। तो टेलस्टोक स्लीव की धातु कैसी होती है, वह उच्च कार्बन इस्पात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलस्टोक बॉडी टिकी होती है कि बेड पर, सैडल पर, बॉटम प्लेट पर या क्रॉस स्लाइड पर। तो टेलस्टोक बॉडी टिकी होती है, तो किसके ऊपर टिकी होती है भाई, बॉटम प्लेट पर टिकी होती है। किस पर, बॉटम प्लेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्रन की धातु होती है मृदु इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात, लो कार्बन इस्पात या संगन तंतु डलवा लोहा। तो किसकी होती है भाई, संगन तंतु डलवा लोहा होता है। अपरन की धातु कौन सी होती है, संगन तंतु डलवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, निम्न में से किस टूल पोस्ट में शीघ्रता, सुगमता और आसानी से टूल को सेट किया जा सकता है, पिलर टाइप टूल पोस्ट में, इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट में या क्लैंप टाइप टूल पोस्ट में या यूनिवर्सल टूल पोस्ट में। तो किस में किया जा सकता है, यूनिवर्सल टूल पोस्ट में आसानी से। 33 में कहा भाई यूनिवर्सल टूल पोस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वां की लेथ पर एंड डाई का उपयोग करते समय एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए लेथ स्पिंडल को ऑप्शन हमारे टॉप गियर में चेंज करना चाहिए, मीडियम गियर स्पीड पर सेट करना चाहिए, न्यूट्रल स्थिति में रखना चाहिए या कम आरपीएम पर सेट करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमने कि न्यूट्रल स्थिति में रखना चाहिए। क्या कह रहा है ये, लेथ पर एंड डाई का उपयोग करते हुए एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए लेथ स्पिंडल को न्यूट्रल स्थिति में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए, न्यूट्रल स्थिति में रखना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैंड डाई स्टोक का उपयोग करते हुए लेथ पर बाहरी चूड़ी काटने के लिए लेथ स्पिंडल को एक बार रिवर्स किया जाता है, टू रोटेशन दो चक्कर पर, थ्री रोटेशन तीन चक्करों पर, हाफ रोटेशन आधा चक्कर पर या फोर रोटेशन चार चक्करों पर। तो किस पर किया जाता है, हाफ रोटेशन आधा चक्कर पूरा होने पर वापस किया जाता है। ठीक है, हाफ रोटेशन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36वां, स्क्रू कटिंग के लिए कैरेज के मूवमेंट को चालू करने के लिए ऑप्शन है हाफ नट के मैकेनिज्म को इंगेज करना होगा, टम्बलर गियर के मैकेनिकल को इंगेज करना होगा या बैक गियर के मैकेनिज्म को इंगेज करना होगा या स्पिंडल गियर मैकेनिज्म को इंगेज करना होगा। तो क्या करना होगा भाई हमें, इसमें हो जाएगा कि जो हमारा हाफ नट को के मैकेनिज्म को इंगेज करना होगा, क्या करना होगा, हाफ नट के मैकेनिज्म को इंगेज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, निम्न में से वह कौन सा कटिंग टूल है जिसका प्रयोग टर्निंग व फेसिंग दोनों क्रियाओं के लिए किया जाता है, राइट हैंड टर्निंग टूल, लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल या फेसिंग टूल या क्रैंक्ड टूल। तो किस टूल का प्रयोग हम दोनों क्रियाओं में कर सकते हैं, क्रैंक्ड टूल का, क्रैंक्ड टूल का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, लेथ कटिंग टूलों में पर 0 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य पॉजिटिव टॉप रैक एंगल एंगल रखा जाता है जिसका मुख्य प्रयोग निम्न में से किस धातु की टर्निंग के लिए किया जाता है। तो पॉजिटिव रैक एंगल 0 से 20 डिग्री तक किस धातु के लिए, एल्यूमिनियम, डलवा लोहा, मृदु इस्पात या उच्च कार्बन स्टील। तो किसके प्रयोग के लिए किया जाता है भाई, एल्यूमिनियम के लिए पॉजिटिव रैक एंगल रखा जाता है, किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु की टर्निंग करते समय वृत्तखंड या चिप्स निकलते हैं, डलवा लोहा, मृदु इस्पात, मिश्रित इस्पात या उच्च चाल इस्पात। तो किसकी, डलवा लोहा, डलवा लोहा की, डलवा लोहा की मशीनिंग करते समय जो वृत्तखंड है चिप्स निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पावर फीड के साथ नहीं
किया जा सकता, कैरेज, कंपाउंड रेस्ट, लीड स्क्रू या क्रॉस स्लाइड। तो क्या नहीं किया जाए, क्रो निम्न में से कौन सा पार्ट पावर फीड के साथ नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, तो कौन सा नहीं किया जा सकता, क्रॉस स्लाइड नहीं किया जा सकता, कौन सा, क्रॉस स्लाइड। तो ये थे हमारे जो लेथ मशीन के फर्स्ट 40 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे, यदि पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। धन्यवाद।